मॉब लिंचिंग ही पद्धत भारतीय नाही, असा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केला होता. भागवत यांच्या दाव्याला एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर दिलं आहे. मोहन भागवत यांना माहिती पाहिजे की भारतात मॉब लिंचिंग होतं. दिल्लीतल्या रस्त्यावर हजारो शिखांना मारण्यात आलं, अजून त्यांना न्याय मिळालेला नाहीये, ते मॉब लिंचिंग नव्हतं का, असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे. मॉब लिंचिंग हा विदेशी धर्मग्रंथातून शब्द आला आहे. हा शब्द भारतात कसा रूढ झाला हे शोधण्याची गरज आहे. जमावाकडून होणाऱ्या हत्येसाठी लिंचिंग या शब्दाचा वापर करण्यामागे षडयंत्र आहे. हिंदू समाजाला बदनाम करून अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे, असे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी म्हटलं होतं. मोहन भागवत यांच्या विधानाचा खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी परभणी येथे समाचार घेतला. दुसरी बात यह है कि कल आरएसएस के सरसंघचालक उनके बहुत बड़े उन्होंने उठा के बोल दिए कि पूरे क्या कहा उन्हें कि मॉब लिंचिंग जो होती है वो हिंदुस्तान की नहीं होती, वो बाहर कोई दूसरे मुल्क से आई, कोई दूसरे मजहब से उसका ताल्लुक है. मोहन भगवत को जानना चाहिए कि मॉब लिंचिंग होती है हिंदुस्तान में. दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हजारों सिखों को मारा गया. मारने वाले मुसलमान थे क्या? सिख जो चल रहा था उनके गले में जलते हुए टैरों को डाल दिया गया था. वो मॉब लिंचिंग नहीं थी आरएसएस के लोगों, वो कौन की आपको मालूम? अब तक इंसाफ नहीं मिला सिखों को. 2002 में गुजरात हुआ, एक लड़की जो एक अपने गांव से भाग रही थी, हामिला है, साथ में उसकी 2 साल बच्ची है, उसके साथ के खानदान के 8-9 लोगों को कत्ल कर दिया गया. उस बच्ची से 12 लोगों ने अपना मुंह काला किया, उसका हमल साकित हो गया. उस औरत के सामने उसकी 2.5 साल बच्ची को एक पत्थर के ऊपर सर उसका मारकर उसको कत्ल कर दिया गया. 2002 में वाकया हुआ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको 50 लाख दो, इसको गवर्नमेंट की नौकरी दो. वो जो करने वाले कौन थे? बहादुर थे वो लोग. मॉब लिंचिंग नहीं थी मोहन भगवत. वो